टू बीजेफूड चैनल। सो मैं हूँ भाविक जोशी। मैं हूँ प्रियानी जोशी। सो वेलकम टू बीजेफूड चैनल। सो गाइस, आज मैं और प्रियु आए हैं फिर से एक नया वीलॉग करने, फूड व्लॉग। हाँ, एक नया फूड वीलॉग करने। सो ये जो फूड वीलॉग है, सो ये हम लोग शूट कर रहे हैं काठियावाड़ी खड़की। सो हमारे सामने यहाँ पर देखो एग्जिट है काठियावाड़ी खड़की, बहुत ही लाइट है। ओके, वहाँ पर देख लो काठियावाड़ी खड़की। अभी मैं और प्रियु आए हैं काठियावाड़ी खड़की एक फूड ब्लॉग शूट करने। तो यहाँ पर क्या है, गुजराती थाली मिलती है और काठियावाड़ी खड़की नाम है तो उस पर से आप समझ ही गए होंगे कि काठियावाड़ी थाली भी यहाँ पर मिलती है। तो हम क्या खाएंगे? ऑब्वियसली काठियावाड़ी। मतलब अभी देखेंगे हम अंदर क्या है, कौन सी थाली अवेलेबल है। अगर जो भी थाली अवेलेबल होगी हम उसकी चैलेंज करेंगे या फिर वीडियो करेंगे। चैलेंज भी? चैलेंज तो करनी ही है ना बीजेफूड चैनल। हाँ, वैसे हमने कितने टाइम से चैलेंज नहीं किया, चैलेंज चैलेंज हो जाएगी मस्त वाली। बट इसमें अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड, आज उसको लूट लेंगे। चलो गाइस, अभी हम लोग जाते हैं काठियावाड़ी खड़की में और फूड, हमारा जो फूड व्लॉग है वो हम कंटिन्यू करते हैं। और जो काठियावाड़ी खड़की है वो एग्जिट कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रावपुरा टावर सर्कल है, रावपुरा सर्कल है टावर के पास, रावपुरा टावर, उसके एग्जिट सामने यहाँ। काठियावाड़ी खड़की रेस्टोरेंट। सो मुझे लगा कि यहाँ पर काठियावाड़ी जो थाली मिलेगी हमें, बट काठियावाड़ी थाली नहीं है। और दूसरा कि जो गुजराती थाली आती है वो 11 to 3:30 का ही उसका टाइम है फिक्स गुजराती थाली का। तो अभी यहाँ पर हम लोग गुजराती थाली चैलेंज नहीं करने वाले, मतलब गुजराती थाली चैलेंज तो नहीं करने वाले, जो फिक्स थाली आती है वो। सो हमें सब अलग अलग करके ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अभी मैं और प्रियू वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या जो आइटम्स है, फूड है, वो हम कौन कौन से ऑर्डर करें, वो अभी मैं और प्रियू थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैलेंज करेंगे, ठीक है। वैसे ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग आधे घंटे डिवाइड कर लेंगे तो चैलेंज में काफ़ी मजा आएगा। चैलेंज तभी असली होगी कि अनलिमिटेड में क्या है कि आप जितना खत्म करो उतना आएगा, जितना खत्म करो उतना आएगा। बट ये जो लिमिटेड होगा तो उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा कहीं, ठीक है। रेडी है? फिर ये है छोटो मिर्ची और कैरेट, मैंने आपको दिखा दिया। और ये है टोटल 10 रोटीज, जिसमें हम 5 रोटीज डिवाइड कर लेंगे। गाइस, आपको तो पता ही, हम लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं, अगर हम लोग 10 स्किप करते तो 5 चीजें डिवाइड करते, अगर हम लोग 15 चीजें लेते हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, थोड़ा कम खाती है। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर 5 रोटी डिवाइड कर लेते हैं। मैंने अभी यहाँ पर टोटल 4 रोटी ली है, उनको मैं आपको सुंदर सुंदर गिन के नहीं खाता हूँ। 1, 2, 3, 4, and last one 5, and now please try. So it's 1 roti. अरे प्रियो, साइड में ही बैठी है, अभी तो अलग दुनिया में है।
और गाइस ये जो आदरे का जो घोटला है वो एकदम घी में लथपथ है, बहुत ही मतलब बहुत ही ये तो एकदम घी से लथपथ है जो बाजरे का रोटला है वो। हम अपने छोटा मटर के साथ ट्राई कर रहा हूँ। हाँ छोटा मटर वन नंबर, छोटा मटर की सब्जी बहुत ही पसंद है। ये है लसनिया आलू की सब्जी। ढोकड़ी एकदम खट्टी मीठी है, मीठी तो इतनी मत एकदम खट्टी मतलब खट्टी मीठी आप समझ लो, बहुत मतलब बहुत ही टेस्टी है। ये जो इसमें जो ढोकड़ा है जो मतलब ये ढोकड़े कहते हैं ना इसको, आई थिंक इसको ढोकड़े कहते हैं, ये काफ़ी खट्टे है, इसकी वजह से टेस्ट बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया आ रहा है, लिटरली मजा आ रहा है। पूरी
जो लहसुन की चटनी है वो तुझे कम्प्लीट नहीं, चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, पर पूरी की पूरी तुझे खानी है। घर में लहसुन की चटनी खानी मतलब मजाक नहीं है, बिल्कुल भी एकदम सीरियस बोल रहा हूँ। ये लेक्चर तेरे हाथ में है, चल नाटक मत कर, मुझे क्या 2 साल का बच्चा समझ के रखा है, उससे भी छोटा है। चल ठीक है, चल इसलिए तुझे हरा कर पनिशमेंट दी। बेटा हॉर्लिक्स ही है, वन टाइप ऑफ हॉर्लिक्स, बस एक मिल्क की कमी है। मैं पी के मुझे खून निकल गया। बटर मिल्क मिले वो काफी अच्छा ऑप्शन है, इतनी सारी बचाइए तुमने। अरे गले के नीचे उतार तो सही उसको, थोड़ा ही पानी रख, खत्म कर लिया भाई, मुझे पसीने निकल रहे हैं भाई फूल एसी में। भाई तीन के आंखों में से पर मैं बोलता हूँ आंसू इस बार तो लिटरली में रो रही है प्लीज भाई। स्पाइसीस्ट पनिशमेंट एवर, सो गाइस पनिशमेंट ओपी, बहुत मतलब ओली लिटरली पनिशमेंट गाइस लिटरली, मैं माँ कसम मम्मी तेरी कसम मुझे नहीं पता था ये इतनी स्पाइसी होगी, मैंने ट्राई ही नहीं किया था, पर वो रो पड़ी गई लिटरली में रो पड़ी। तो चलो गाइस अभी तो ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, तो अभी हम यहाँ पर आपको बाय बाय कहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी प्यार छोटी मोटी जोड़ी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए विजयपुर चैनल को। तो चलो गाइस अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।